की क्लास में पावर पॉइंट का असाइनमेंट नंबर 4 हम यहाँ पर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा असाइनमेंट है जिसमें हमको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है जिसमें और साथ ही साथ रिहर्स टाइमिंग का भी यूज़ करना है। रिहर्स टाइमिंग का यूज़ हम तब करते हैं जब एनिमेशन हमारे इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक स्लाइड बनी हुई है हमारे पास, और तो यहाँ पर जब हम स्लाइड को प्ले करेंगे तो आप देखिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और ये जो चेंजेस है वो हमको तब डिस्प्ले हो रहे हैं जब हम माउस पर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड पर कोई बटन प्रेस करते हैं। तो ये चेंजेस हमको दिख रहे हैं। मैं चाहता हूँ बिना क्लिक किए अपने आप ऑटोमेटिक टाइमर के द्वारा ये डिस्प्ले हो, तो ऐसा करने के लिए मुझे रिहर्स टाइमिंग वाला जो ऑप्शन है उससे टाइम सेट करना होगा, उस टाइम पर वो ऑटोमेटिक प्ले होता रहेगा। रिहर्स टाइमिंग को सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा रिहर्स टाइमिंग, जो कि स्लाइड शो वाले ऑप्शन में आपको दिखेगा, स्लाइड शो वाला जो मेन्यू है इस पर। रिहर्स टाइमिंग पे क्लिक करने पर यहाँ पर आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाता है, और एक बार जब जितने टाइम पर आप क्लिक कर रहे हैं वो टाइम को वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो टाइम है अपने आप ये चल रहा है, और फिलहाल यहाँ पर जो टाइमर है वो 15 सेकंड के लिए टाइम में रिहर्स टाइमिंग हुई है, और 15 सेकंड का हमारे पास जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार हो गया है। इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर टाइम दिखा रहा है कि 8 सेकंड के लिए ये स्लाइड है, 4 सेकंड के लिए ये, 2 सेकंड के लिए ये, और फिलहाल 1 सेकंड के लिए ये वाली स्लाइड है। आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम सेट हो गया है। नेक्स्ट टाइम पर जब आप प्ले करेंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पर सेटअप शो दिख रहा है, इसमें आप लूप कर सकते हैं। लूप करने पर ये होगा कि स्लाइड जो है 4th के बाद फिर फर्स्ट स्लाइड चालू हो जाएगी, और ये जो स्लाइड का प्रेजेंटेशन है बंद नहीं होगा जब तक आप एस्केप बटन नहीं दबाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर प्ले कर दिया हूँ, और ये ऑटोमेटिक अपने टाइम इंटरवल के बाद सेकेंड स्लाइड आ जाएगी, फिर थर्ड आ जाएगी, और इस तरीके से चलता रहेगा। ये सेकेंड स्लाइड आपकी आ गई है, और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप वो टाइम टाइम पर आते रहेगा। तो इस तरीके से फिर से फर्स्ट स्लाइड यहाँ पर आ गई है। तो ये था आपका असाइनमेंट नंबर।